Welcome to our channel Life Shorts. I am Swikriti. I am Anukriti. So we are back with our new video. और आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा interesting video करने वाले हैं. तो आज हम try करने वाले हैं बहुत सारे मैगी रेसिपीज. जितने भी आज मैगी रेसिपीज हम बनाने वाले हैं वो जो नॉर्मली हम जिससे मैगी में करते हैं ना चेंजेस वैसा नहीं है, काफी डिफरेंट है. लाइक जनरली हम लोग बहुत बार मैगी तो मसाला मैगी बना लो, चीज मैगी बना लो, मीन्स उसमें मैगी में कुछ कुछ चीज अलग अलग टाइप का डाल के कुछ मैगी बना लेते हैं. वैसा नहीं बनाएंगे हम लोग, मैगी से अलग अलग डिश बनाएंगे आज हम लोग. ओह माय गॉड, साउंड्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. बहुत मजा आने वाला है. हाँ तो चलिए जल्दी से बनाते हैं और देखते हैं कि ये जो हम लोग बोल रहे हैं वो सच में बनने के बाद भी अच्छा लगता है या फिर उसके बाद हम लोग यूं हो जाता है. सोचा क्या था हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो. तो चलिए जल्दी से जाके हम लोग हमारे मैगी रेसिपीज बनाते हैं. उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए. हम इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं यार हम लोग. ओ माय गॉड, सब्सक्राइब तो कर लेना गाइस, उसमें तो ज्यादा मेहनत नहीं लगती, टप पर ही क्लिक कर देते. ओके चलो ना जल्दी से हम लोग बनाते हैं हमारा मैगी रेसिपी. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. बनाने वाले हैं मैगी बर्गर और ऑब्वियसली क्योंकि ये मैगी बर्गर है सबसे पहले हमें चाहिए मैगी. और मैगी हमने कुक कर लिया है, ये नॉर्मल जो मैगी होता है वही है और उसे नॉर्मल तरीके से बनाया है हमने. तो अब इसमें हमें एक्स्ट्रा कारीगरी करनी है. तो ये रहा मैगी, अब इसमें थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड करेंगे इसे और फ्लेवरफुल बनाने के लिए. सबसे पहले इसमें हम डाल रहे हैं सेजवान सॉस ताकि इसे थोड़ा सा स्पाइसी टच आए हमारे बर्गर को, बहुत ज्यादा ही स्पाइसी ना हो जाए, ऐसा ना हो कि फिर बहुत ज्यादा स्पाइसी हो जाए. अब इसमें थोड़ा सा सोया सॉस डालेंगे टू गिव इट अ लिटिल बिट ऑफ चाइनीज टेस्ट, बहुत ज्यादा नहीं. नाउ केचप, टोमेटो सॉस है ये स्वाद अनुसार. नाउ टू मेक इट लिटिल क्रीमी, थोड़ा सा हमने इसमें सेजवान सॉस डाला है तो फिर इसमें मेयोनीज डाल के उसे थोड़ा सा बैलेंस आउट करना है. और बर्गर विदाउट मेयोनीज तो होता नहीं है ना. अब मैकडी का महंगा वाला बर्गर हो गया. एग्जैक्टली महंगा वाला बर्गर है, इसमें बहुत सारा मेयोनीज. हमारा जो ये मैगी है ये काफी स्पाइसी दिखाई दे रहा है. बर्गर का फिलिंग तो रेडी है और इसके लिए चाहिए ऑब्वियसली बर्गर बंस. तो ये रहे हमारे बर्गर बंस और इसे हम इसमें बीच में से कट कर लेते हैं टू फिल आवर फिलिंग. नाउ जस्ट ऐड आवर मैगी फिलिंग. वैसे हमारा बर्गर फिलिंग तो रेडी हो गया बट इसमें हम थोड़ा सा मेयोनीज और डाल रहे हैं थोड़ा सा और क्रीमी करने के लिए. तो वैसे ही हमारा बर्गर देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, सो लेट्स टेस्ट इट कि ये खाने में कैसा लग रहा है. इट्स वेरी टेस्टी. सबसे अच्छी बात है कि मैगी एक टिपिकल टेस्ट होता है, वो टेस्ट इसके मेयोनीज साथ बहुत अच्छा लग रहा है. तो ये बर्गर तो आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए. इट्स अ थम्स अप फॉर इट. कि मुझे पिज्जा कितना ज्यादा पसंद है बट आज हम लोग बनाने वाले हैं मैगी. तो मैंने सोचा क्यों ना इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए और आज हम लोग बनाने वाले हैं मैगी पिज्जा. पता नहीं कैसा बनेगा, बनाने के ट्राई करते हैं. तो उसके लिए मैंने बना लिया है ये मैगी पहले से ही, बट इसे पिज्जा का रूप देने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा. ओके तो इसके लिए सबसे पहले ले लेना है एक पैन. पता नहीं क्या है ये, क्योंकि गैस तक ऑन नहीं कर पा रही. पता नहीं मुझसे कभी एक बार में ऑन नहीं होता है गैस यार. अच्छा मैंने वाह 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 मतलब वो ऑन उस स्टोव का कर रही है. ऐसा नहीं है, मैं इतना कम भी नहीं कुकिंग करती हूँ, बस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया. ओके सो अब इसके ऊपर डाल देंगे हम लोग ऑयल. सो अब हमें करना ये है कि हमें ये मैगी लेना है और इससे हमको बनाना है हमारा बेस. मैगी इज सो हॉट एंड ऑयल इज. प्रेस करके आप थोड़ा सा बेस जैसा बना लीजिए. वैसे तो जनरली बाहर पिज्जा खाते हैं तो हमेशा चाहते रहते हैं कि बेस बहुत ज्यादा थिक ना हो, बट
बेस अगर इतना टेस्टी हो तो क्यों फेंकना हो, नहीं? हाँ थिकर द बेस टेस्टियर द बेस इन दिस केस. ओके सो मेरा बेस जो है एकदम अच्छे से बन चुका है. अब इसके ऊपर डाला जाएगा टॉपिंग, और टॉपिंग के लिए सबसे पहले सबसे द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होता है सॉस, तो वो डालते हैं. हम लोग एक और कोर चीज डालेंगे, हम लोग डबल लेयर चीज बनाएंगे. हम लोग उसके पहले हम लोग इसमें थोड़ा सा डालते हैं वेजिटेबल. दिस इज कैप्सिकम, इट इज माय फेवरेट. अब इसमें हम लोग थोड़ा सा और चीज डालते हैं बिकॉज मैं बहुत फूक जा रही था, बिकॉज जितना ज्यादा चीज डालोगे उतना ज्यादा चीज बनेगा. चीजी पिज्जा, चीजी पिज्जा. सो ये हो गया, बहुत सारा चीज पड़ गया. अब हमें करना है कि हम इसके कवर करके थोड़ी देर पका लेते हैं. तो ये हमने किया इसे बंद, गैस है सिम, और थोड़ा वेट करते और देखते बंद होने कैसा लग रहा है. वैसे देखा जाए तो आप इसे बेक भी कर सकते हैं, बट बेक करने में क्या है ना, ये नॉर्मली 5 to 7 मिनट में बन जाएगा, बट अगर आप इसे बेक करने जाओगे तो आपको 30 to 35 मिनट लगेगा, और इतना टाइम कौन वेट करेगा. तो हम ऐसे ही बना देते हैं और फिर खाएंगे, इसे बताएंगे कैसा बना. So guys, ये बन चुका है पिज्जा. देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है. वैसे मुझे इसको ट्रांसफर करना है अब प्लेट में, जो करने में मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि ये टूट ना जाए, बट ये नहीं टूटेगा यार. वाओ ओह माय गॉड, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है. चेक आउट दी बेस, ओह माय गॉड. सो इसे कट करके देखते हैं कैसा लग रहा है ये टेस्ट करके. Check this out. Oh my God. ये बहुत ज़्यादा गर्म है इसलिए मैं ऐसे देखती हूँ. Let's taste. Can you see? Oh my God. It is very tasty. Like seriously बहुत अच्छा लग रहा है. मिसे अगर आपको literally मैगी को एक बहुत ज़्यादा अच्छा different रूप देना है ना, तो definitely you should try this out. ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. अभी हम बनाने वाले हैं मैगी सैंडविच, और ऑब्वियसली मैगी सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए ब्रेड. तो ये रहा ब्रेड, और हम लोग ब्राउन ब्रेड यूज कर रहे हैं, आप लोग कोई भी ब्रेड यूज कर सकते हैं. सबसे पहले इसमें लगाएंगे बटर. अब इसमें डालना है ब्रेड जिसमें कि हमने होल्ड कर दिया है. ओके अब आ गई मैगी की बारी. की ये मैगी सैंडविच है, तो ये हमने प्री कुक्ड मैगी है, जो कि नॉर्मल मैगी बनाते हैं वो मैगी है. ये इस होल में मैगी डालना, स्टफ मैगी, स्टफ करना है पूरा. मैगी की क्वालिटी अच्छे से डाल रहे हैं हम लोग, ताकि सैंडविच में कोई भी कमी ना लगे. थोड़ा और बटर लगा देते. नाउ ऐड चीज स्लाइस ऑन इट, ताकि हमारा सैंडविच जो है काफी चीजी बने. नाउ वी आर एडिंग वन मोर स्लाइस ऑफ ब्रेड, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बटर. Crispy, so crispy. So guys, ये देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है. It's very hot and very crispy. So अब taste करके बता दें कि ये कैसा है. Look at this. Very hot. It is very tasty, very cheesy, and very buttery. So you should definitely give it a try. बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये. So guys, आप लोगों ने देख ही लिया आज के सारे ही recipes, बहुत ज़्यादा yummy थे.
बहुत ज्यादा। तो आप लोग जरूर जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपने कोई ट्राई किया रेसिपी तो कैसा बना हो। जरूर बताइएगा, आप हमें इंस्टाग्राम पे टैग भी कर सकते हैं किसी स्टोरी पे, ताकि हमें पता चला कि आप लोग भी सच्ची में यूज भी करते हैं कि नहीं हम लोग जो बनाते हैं। अभी होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और शेयर कीजिए अपने सारी मैगी ग्रुप मैगी गैंग के साथ, पिज्जा गैंग के साथ कर सकते हो, बर्गर गैंग के साथ कर सकते हो, सारी चीजें शेयर करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। Exactly. तो शेयर जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ताकि हम जब भी वीडियो डालें सबसे पहले आपको पता चले। और हम दोनों को हमारे इंस्टाग्राम फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना, ये हमारी आईडी आपको दिखाई देगी। हाँ, तो अब हम लोग मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, नमस्ते।